दोस्तों, अगर हम दुबई के शेखों की अय्याशी की बात करें तो फिर कहने ही क्या हैं। जहां लोगों के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते, वहीं ये लोग नाचने वाली औरतों पर भी करोड़ों रुपए बस एक ही रात में उड़ा देते हैं। दुबई को यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। दुबई के शेखों के पास कितना पैसा है उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्या है दुबई में जो आज वह इतना अमीर है? दुबई के शेख हमेशा ही अपनी अमीरी को दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खूबसूरत औरतों का नाच देखने के लिए ही उड़ा देते हैं। दुबई के लोग पैसों को पानी की तरह उड़ाना जानते हैं, इसीलिए तो ये लोग सोने से बने टॉयलेट तक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दुबई में गोल्ड एटीएम का इस्तेमाल होता है, जहां से गोल्ड के कॉइन्स और गोल्ड के बिस्किट निकाले जाते हैं। दुबई के लोगों को गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वहाँ की गाड़ियाँ भी गोल्ड प्लेटेड होती हैं। दुबई के लोगों को अमीरी का दिखावा करने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। जहाँ पर कोई सोने का शौचालय बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर पूरी की पूरी प्लेटिनम की कार खरीद रहे हैं। दोस्तों, दुबई में ऐसा बहुत कुछ होता है जो भारत के लोगों को कम से कम एक बार तो ज़रूर जान लेना चाहिए, इसीलिए आज हम यह एक शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जानते हैं दुबई की कुछ ऐसी ही अनोखी बातें जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। बुर्ज अल अरब दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल है, जिसमें एक स्काई ब्लू बार, एक अंडरवाटर रेस्टोरेंट और एक टेनिस पूल मौजूद है। इस होटल को दुबई का आइकॉनिक सिंबल भी माना जाता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है, जिसकी ऊंचाई 280 मीटर है और इस होटल में कुल 202 कमरे मौजूद हैं। दुबई में पाम आइसलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइसलैंड है। इस आइसलैंड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। दुबई का कानून बाकी अमीरातों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर औरतों को बीच पर बिकनी पहनकर घूमना और गाड़ी चलाने की पूरी आज़ादी है। यहाँ के कानून दूसरे अमीरात की तरह सख्त नहीं है। दोस्तों, जहाँ दूसरे देशों के लोगों को सोना पहनना पसंद है, वहीं दुबई के लोगों को सोना चलाना पसंद है। दुबई में सोने से बनी कारों को खरीदना एक आम बात है। दुबई में ज़्यादातर पैसा वहाँ पर मौजूद तेल की वजह से आता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुबई की गवर्नमेंट को यह पता था कि तेल पैसा कमाने का परमानेंट सोर्स नहीं है, इसीलिए उन्होंने पैसे कमाने के कुछ और नए तरीके अपनाए। एक सर्वे के अनुसार साल 2035 तक दुबई का सारा तेल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद दुबई क्या करेगा वहाँ के शेखों ने ये पहले ही सोच रखा था। दुबई की असली कमाई वहाँ की रियल इस्टेट बिजनेस से होती है, और इसके अलावा दुबई की टूरिज्म से भी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। दुबई में नौकरों के लिए कोई भी अधिकार नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ के शेख वहाँ पर काम करने वालों से मनचाहा काम करवाते हैं। दुबई में ज़्यादातर भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और फिलीपींस से लोग काम करने के लिए आते हैं, जिनकी यहाँ पर हालात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ पर 12,000 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई में आप बिना शादी के एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, यानी कि यहाँ पर लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ के कानून के हिसाब से आप सार्वजनिक जगह पर किसी का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते, और ना ही किसी को ऐसी जगह पर गले लगा सकते, और ना ही किस कर सकते हैं। दुबई में पेट्रोल से ज़्यादा महंगा पानी है। यहाँ पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, इसीलिए मीठे पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर समुद्र के पानी को ही मीठा पानी बनाया जाता है। दुबई के लोग कुत्ते और बिल्ली को पालना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ के लोग ज़्यादातर शेर, टाइगर और चीता पालते हैं। दोस्तों, दुबई की पुलिस सुपर कार्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें आती हैं लंबोर्गनी, बुगाटी और BMW जैसी कारें। दुबई की 85% जनसंख्या मूल रूप से दुबई की रहने वाली नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग काम के सिलसिले में बाहर से आते हैं। दोस्तों, दुबई में गोल्डन बर्गर मिलता है, जिसकी कीमत $100 से भी ज़्यादा होती है। इस पर सोने की परत चढ़ी होती है, और इस बर्गर को खाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही इस बर्गर को अफोर्ड कर सकते हैं। दुबई में टैक्स नहीं वसूला जाता, जिसके कारण दुनिया भर के अमीर आदमी यहाँ पर आकर अपना बिजनेस सेट करते हैं।
तो दोस्तों ये थी दुबई की कुछ अनोखी और अजीब बातें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।